शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, क्या आप अपनी किडनी की डाइट डिजाइन करते करते परेशान हो चुके हैं? क्या आपको कुछ भी खाने और पीने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि कहीं वो चीज आपकी किडनी की बीमारी के दौरान आपकी हेल्थ तो खराब नहीं कर देगी? और इन्हीं सारी चीजों की वजह से कहीं आपके खान पान से अब आपका दिल तो नहीं उठने लगा? कहीं आप अपने खान पान से डरने तो नहीं लगे हैं? क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी खाते हैं उसका टेस्ट अब खत्म होता जा रहा है? कोई भी चीज आपको टेस्टी नहीं लगती और जो चीजें पहले आपको टेस्टी लगती थी वो आपकी डाइट का हिस्सा नहीं है? क्या आपको अपनी लाइफ और अपने फूड में कुछ मसाले की जरूरत है? तो दोस्तों, हर किडनी के पेशेंट के दिमाग में एक ना एक समय ये सारे ख्याल जरूर उठते हैं। उनके दिमाग में ये आने लगता है कि वो कई सारी टेस्टी चीजें तो खा ही नहीं सकते हैं, वो सिर्फ अपने जीने के लिए ही खाना खा रहे हैं और अब टेस्ट जैसी चीज उनके खान पान का हिस्सा नहीं रहेगी। इसकी वजह से ऐसे पेशेंटों में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। उनको लगातार यही डाउट होने लगता है कि क्या वो अपनी डाइट को ढंग से फॉलो कर पाएंगे या फिर वो अपनी डाइट को तोड़कर कुछ ना कुछ टेस्टी सा खा बैठेंगे जो उनकी किडनी की डाइट का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ ख्याल उठ रहे हैं तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने खाने को और ज्यादा टेस्टी बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मसालों की। भारत में कई तरीके के मसाले पाए जाते हैं जो आपके खाने को टेस्टी बनाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। कई तरीके की जड़ियां, कई तरीके की बूटियां, कई तरीके के बीज और कई तरीके के पौधे और पत्ते आपके खाने का स्वाद निखारने में आपकी मदद कर सकते हैं, और साथ ही में इन मसालों में मौजूदा तेल आपकी किडनियों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, जिनसे आपके खाने का फ्लेवर और खुशबू तो अच्छी बनी ही रहेगी, पर साथ ही साथ इन कई मसालों की वजह से आपकी किडनी की डाइट और ज्यादा हेल्दी भी बनती जाएगी। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ मसालों के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गार्लिक की, जिसे लहसुन भी कहा जाता है। देखिए, ज्यादातर घरों में लहसुन खाने का एक अभिन्न हिस्सा होता है। ये उनके हर तरीके के वेज या नॉन वेजिटेरियन खाने को टेस्ट देने का काम रखता है। गार्लिक को उसके पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको तरह तरह के सूप में, सब्जियों में और मीट में भी डाला जा सकता है। गार्लिक में पहले से ही सॉल्ट मौजूद होता है, इसी वजह से आपको अपने खाने में भी कम नमक डालने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी ऐसी चीज है प्याज। प्याज भी लहसुन की तरह ही आपके खाने को एक काफी रिच फ्लेवर दे देता है और ये आपके सलाद का हिस्सा बनकर आपके सलाद को एक क्रंचीपन, टेस्टीपन भी दे देगा, और वो भी आपकी किडनियों का ख्याल रखते हुए। धनिया भी कुछ एक ऐसी ही चीज है जो तरह तरह की सब्जियों में, तरह तरह के तरियों में आराम से डाली जा सकती है, जिसकी वजह से हमें टेस्ट के साथ साथ खुशबू भी भरपूर मात्रा में आने लगती है। इसी तरीके से जीरा भी आपके खाने को टेस्टी बना सकता है और इसकी रिफ्रेशिंग सी खुशबू भी आपका दिल खुश रखेगी। जिस खाने में डाला जाएगा आपको उसे खाने का ज्यादा दिल करेगा। ऐसा ही आखिरी मसाला है हल्दी। हल्दी खाने को रंग देने के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही साथ इसकी खुशबू और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके शरीर में किडनी की बीमारियों से आपको लड़ने में मदद भी करती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कुछ सिंपल से मसालों को खाकर आप अपनी किडनी की डाइट को और ज्यादा टेस्टी बना सकते हैं। और आखिर कब तक आप ऐसे ही अपने खान पान में रोक टोक लगाते रहेंगे? आपको जरूरत है कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक इलाज की। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन डेली में जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को जड़ से ठीक कर दिखाते हैं। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।